हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते का जूस। दोस्तों, पपीते का जूस बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने थोड़ा सा जो है एक कटोरी पपीते को जो है छिल लिया है बिल्कुल अच्छे से, और इसके जो है मीडियम साइज में पीसेज बना लिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने ये आधी कटोरी हमने लिए चीनी, शुगर, ये एक गिलास लिया है दूध का, ये थोड़ी सी जो है हमने चेरी ली है ताकि उसका स्वाद और भी अच्छा बन जाए, और ये देखिए थोड़ी ये शरबत ली है, थोड़ी सी शरबत भी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जार लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो है मिक्सर का जार लिया हमने, और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम पपीता। ये देखिए पपीता डाल दिया है, और इसके बाद डालेंगे दूध। ये देखिए दूध डाल दिया है, और अब डालना है शुगर। ये देखिए अब थोड़ी सी शरबत डालेंगे। शरबत डालने से जो है इसका स्वाद और भी अच्छा बन जाता है, इसलिए थोड़ी सी जो है शरबत डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए शरबत डाल दी है, और अब इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको गाढ़ा या जो है ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला करना है अपने हिसाब से, आप इच्छा अनुसार पानी डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सर के अंदर हमने जो है जूस तैयार कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट जूस बनकर तैयार हो चुका है। और तो चलिए अब इनको हम ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जूस अलग बर्तन में निकाल लिया है ग्लास के अंदर, और इसके अंदर जो है चेरी भी डाल दी है ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा बन जाए। तो ये है बहुत ही आसान विधि जूस बनाने की। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।